मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सबको याद है कल हमने क्या सीखा था? कल हमने सीखा था व्यंजन ख कैसे लिखते हैं, और आज एक बार फिर से हम व्यंजन ख लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक मजेदार एक्टिविटी करेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो आओ बच्चों, पहले हम ख से शुरू होने वाले कुछ और चित्र देखते हैं। ख से खेत, ख से खटमल, ख से खजाना, ख से खीरा और ख से खत। तो आओ बच्चों, एक बार फिर से लिखते हैं व्यंजन ख। लेकिन उससे पहले हम आज की डेट लिखेंगे। आज की डेट है 21.7.20। और अब हम लिखेंगे व्यंजन ख। व्यंजन ख लिखने के लिए हमें कौन सी लाइन से शुरू करना है? फर्स्ट ब्लू लाइन से। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन, मेक अ कर्व टिल सेकेंड ब्लू लाइन, कर्व अगेन लाइक दिस टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल एंड ऑन द टॉप शीरो रेखा। ख वंस अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ कर्व, कर्व अगेन टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल ऑन द टॉप शीरो रेखा। ये हो गया ख। वंस अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन, मेक अ कर्व टिल सेकेंड ब्लू लाइन, कर्व अगेन टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल ऑन द टॉप शीरो रेखा। ख वन मोर टाइम, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ कर्व अगेन टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल एंड ऑन द टॉप शीरो रेखा। ख से खत। अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन, मेक अ कर्व टिल द सेकेंड ब्लू लाइन, कर्व अगेन टिल द थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल द फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल द थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल द सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल एंड ऑन द टॉप शीरो रेखा। ख वंस अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन टिल द सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ कर्व, मेक अ कर्व अगेन टिल द थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल द फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन स्ट्रेट टिल द थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन टिल द सेकेंड ब्लू लाइन, मेक अ सर्कल एंड ऑन द टॉप शीरो रेखा। ख से खरगोश। वंस अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन,
Make a curve till the second blue line. Curve again till the third blue line. Go up till the first blue line. Come down straight till the third blue line. Go up again till the second blue line. Make a circle and on the top shiro rekha. Kha se khatmal. Now once again, start from the first blue line, make a curve till second blue line, curve again till the third blue line, go up till the first blue line, come down straight till the third blue line, go up again till the second blue line, make a circle and on the top shiro rekha. Kha se khet. And once again, start from the first blue line, make a curve till second blue line, curve again till third blue line, go up till the first blue line, come down straight till the third blue line, go up again till the second blue line, make a circle and on the top shiro rekha. Kha se khajur. अब आपको ये लाइन छोड़ के इस लाइन में भी ख लिखना है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ब्लू लाइन, मेक अ कर्व टिल सेकेंड ब्लू लाइन, कर्व अगेन टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप टिल फर्स्ट ब्लू लाइन, कम डाउन टिल थर्ड ब्लू लाइन, गो अप अगेन till second blue line, make a circle and on the top shiro rekha. आपको ये first line और ये third line में ख लिखना है. और अब है हमारा activity time. ये क्या है बच्चों? ये है प्यारा प्यारा खरगोश, लेकिन हमने इसे पेपर कप से बनाया है, तो हम इसे पेंसिल स्टैंड की तरह भी यूज कर सकते हैं, है ना? आपको भी बनाना है ऐसा पेंसिल स्टैंड? तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. तो खरगोश बनाने के लिए हमें चाहिए एक पेपर कप, ग्लू और एक व्हाइट पेपर. अब पहले हम खरगोश के कान बनाएंगे. उसके लिए हमें पहले एक सी कर्व बनाना है ऐसे. उसके ऑपोजिट साइड एक और सी कर्व बनाएंगे और उसके अंदर सेम सी कर्व बना के उसके कान बनाएंगे. ये बन गए खरगोश के कान. अब हम खरगोश की आंखें बनाएंगे. उसके लिए हमें दो छोटे से सर्कल बनाने हैं ऐसे और उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल और ये बन गई खरगोश की आंखें. अब हम बनाएंगे खरगोश का नाक. उसके लिए एक स्लीपिंग लाइन करेंगे और फिर हाफ सर्कल बना देंगे और एक स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे दो कर्व बना देंगे. तो ये बन गया खरगोश का नाक. अब खरगोश के पैर बनाएंगे. उसके लिए हम थोड़े से बड़े सर्कल बनाएंगे ऐसे, एक
और सर्कल और उसमें तीन छोटे छोटे सर्कल बना देंगे और एक नीचे बड़ा सा सर्कल और ये बन गए खरगोश के पैर। अब मैंने जो ड्रॉ किया था उसमें मैंने पिंक कलर कर दिया है और उसे कट भी कर लिया है, लेकिन आपको अपने आप कट नहीं करना है, आपके लिए आपकी मम्मा कट कर देगी क्योंकि सीजर बच्चों के लिए डेंजरस होती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेपर कप लेंगे और ये सब ग्लू की मदद से चिपका देंगे। पहले हम खरगोश के कान चिपकाएंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और यहाँ पे चिपका देंगे। अब जैसे हमने ग्लू की मदद से खरगोश के कान चिपकाए, वैसे ही हम खरगोश की आंखें, नाक और पैर भी ग्लू की मदद से चिपका देंगे। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा खरगोश। आशा करती हूँ आपको आज की एक्टिविटी पसंद आई होगी। हम जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।